नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला, लेकर आ गया हूं एक और जबरदस्त वीडियो। जैसे कि आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं एक से एक खतरनाक वीडियो जो आपके करियर के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा होगा, आज है रोड मैप टू डेटा साइंस। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है डेटा साइंस क्या होता है, और सेकंड चीज रोड मैप क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेटा साइंस कुछ नॉन कोर से रिलेटेड है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ रोड मैप में क्या बताएंगे, कैसे आप डेटा साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में क्रैक कर सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स अपने कॉलेजेस के अंदर, फिर भले ही आप बीटेक के हों, आप भले ही एमटेक के हों, कैसे भी हो। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डेटा साइंस, एक बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा डेटा साइंस क्या है, एक सिंपल सा एक आइडिया देता हूं। आप लोगों ने कभी क्या किया है, फ्लिपकार्ट पे सर्च किया है, आपने देखा है कि एक अगर शूज खरीद लेते हैं एडिडास के, तो आपने लिखा हो एडिडास शूज फ्लिपकार्ट, आपने सर्च कर लिया, आपने बहुत सारे शूज देखे, तो आपने क्या देखा यार शूज आ रहे हैं, ठीक है। आप फिर आपने कहा यार अभी नहीं खरीदता, बाद में खरीदता हूं, बंद कर देता हूं। फिर उसके बाद आपने गूगल खोला तो देखा आपने फ्लिपकार्ट का वही वाला एड आपको वहां दिखाई दे रहा है। फिर आपने मिंत्रा खोला तो देखा मिंत्रा में भी एडिडास के शूज का एड आ रहा है, या फिर बहुत सारी कंपनीज के शूज का एड आ रहा है, या फिर आप कहीं भी जा रहे हो यार इंटरनेट पे वही वाली चीजें आ रही है। तो कहां से आ रही है सब, ये सारा काम है डेटा साइंटिस्ट का, ये सारा खेल है डेटा साइंटिस्ट का, ये सारा काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट। इसके साथ आप लोगों को सिंपल भाषा में और बताना चाहूं तो इंटरनेट पे क्या है, बहुत सारा डेटा डला हुआ है, हर घंटे हर दिन हर साल हम लोग बहुत सारा डेटा इंटरनेट पर ना इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं और इस पर वर्क करते हैं। इसी के साथ साथ डेटा साइंस में बहुत सारा इमर्जिंग मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल भी इंप्लीमेंट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एलेक्सा चलता है, जैसे आपने देखा होगा गूगल होम चलता है, तो ये किस पे काम करते हैं, एनएलपी पे काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है उसको वो कोड में कन्वर्ट करता है जिससे मशीन समझ पाए, और आपके लिए फिर से वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। जिससे आप बोलते हो हेलो गूगल कैसे हो, तो बोलता है हम बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरह से डेटा साइंटिस्ट यहाँ पर काम करते हैं। इसका थोड़ा सा इनिशिएशन बताता हूँ, डेटा साइंस तो बहुत पहले से है, पर जब से कोरोना आया है तो डेटा साइंस का जो जॉब का बूम है वो बहुत ज्यादा होने लगा। अगर मैं कैंपसेस की बताऊँ, बहुत सारे IITs NITs और भी बहुत सारे कैंपस की बताऊँ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा साइंटिस्ट को कंपनी लेने आती है, और ज्यादातर कंपनीज पता क्या कर रही है डेटा साइंस की, वो उन बच्चों को लेने आती है जो CSIT से नहीं है, उनके अलावा बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, क्योंकि डेटा साइंस द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा CS मिला रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स यहाँ पर स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को आसान भाषा में बताऊं कि देखिए क्या होता है, इंटरनेट पे बहुत सारे डेटा साइंस का बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। फ्री वाले भी अवेलेबल हैं, पेड वाले भी अवेलेबल हैं। तो किनको पेड पढ़ना है, किनको फ्री पढ़ना है, पहले तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, अगर आप बहुत ही अच्छे IIT में बहुत ही अच्छे NIT में पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, डेटा साइंस की बहुत सारी कंपनी हायर करने आती हैं, और मिनिमम पैकेज जो होते हैं उनके 8 LPA से कम नहीं होते हैं। तो क्या होता है, वहां पर उनके पास कंपनी बहुत होती है, बच्चे बहुत कम होते हैं, और वो अच्छे से प्लेस हो जाते हैं, तो उनको फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे IITs और बहुत सारे NITs और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर कंपनीज ज्यादा नहीं आती हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपनीज बहुत लिमिटेड आती है, तो वहां पर आपको पेड कोर्स की जरूरत पड़ती है। पेड कोर्स वहां पर आपकी हेल्प कर सकता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पाथ की तरफ आ जाते हैं, दैट इज पाइथन। रोड मैप का पहला ही पॉइंट होता है पाइथन, आपको आना चाहिए लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या, आपको हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर वाली हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। जैसे सी होती है, जावा होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, CS होती है, वैसी ही होती है पाइथन। पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। अगर आप अपना सिर्फ 10 दिन भी अच्छे से देंगे तो आप पाइथन लैंग्वेज को सीख जाएंगे। तो सिंपली मैं बता दूं, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। पाइथन कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, देखो पाइथन में सिंपल होता है कि आप पहले से क्या करें, 10 दिन का YouTube पे बहुत सारे पाइथन के कोर्स पढ़े हैं, तो 10 दिन के अंदर आप बढ़िया पाइथन सीख सकते हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग, क्योंकि हर कंपनी कराती है कोडिंग टेस्ट, तो कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हैकर रैंक, हैकर अर्थ, गीक्स फॉर गीक्स ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं और उनके साथ कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पाइथन की बात। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जैसे आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो डेटा साइंस है वो कुछ नहीं है, वो एक मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है, मैथमेटिक्स का उसके अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो उसी में जैसे बेसिक कैलकुलस हो गई, लीनियर अलजेब्रा हो गई, बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो गई, प्रमोटेशन हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे आगे चल के डेटा साइंस पढ़ने में। तो डेटा साइंस में आ गया सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इंटरनेट पे भी यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, यूट्यूब पर हैं, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर थर्ड चीज आ जाती है पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन लाइब्रेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं नंपाई का क्या मतलब होता है, नंपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। न्यूमेरिकल पाइथन का मतलब क्या है, ये पूरा काम करता है, पूरा इसके फंक्शन करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सारा सम करना, जैसे कोई अरे फॉर्म में लेता है
ठीक है, जो नंपाई होता है वो अरे फॉर्म में डेटा को लेता है। अरे फॉर्म में क्यों लेता है, क्यों अरे फॉर्म में ना जो डेटा का जो डेटा जो होता है अंदर की मेमोरी को सेव कर लेता है, ठीक है, तो वो अरे फॉर्म में लेता है और सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो नंपाई इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। देन आते हैं पांडास। पांडास मतलब कैसा होता है, एक्सेल की तरह होता है, डेटा फ्रेम्स पे काम करते हैं। जैसे आप एक्सेल में डेटा फ्रेम्स बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको यहाँ पर पांडास प्रोवाइड करता है आपके पाइथन के साथ, ठीक है, डेटा साइंस के अंदर। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। अब ये लाइब्रेरीज क्या करती हैं, ये लाइब्रेरीज में आप लोगों को बताऊं, जैसे आप लोग बार प्लॉट बनाते हो, एरिया प्लॉट बनाते हो, आप पाई प्लॉट बनाते हो, किसी भी टाइप का प्लॉट बना सकते हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आप पूरा डेटा का यूज करके आप बढ़िया से प्लॉट्स बना लो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को किसी के सामने कुछ रिप्रेजेंट करना है, आपका क्लाइंट के सामने आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इन लाइब्रेरीज के यूज करके आप बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्लॉट्स बता के उसे बता सकते हो, उसे समझा सकते हो, अपनी चीज को डिलीवर कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया इतना पार्ट। अब इसके बाद जाते हैं डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग मशीन लर्निंग की तरफ। अब आपको ये पढ़ लिया, आपने क्या क्या पढ़ लिया, स्टैट्स पढ़ लिया, आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ ली, कोडिंग कर ली, इसके साथ साथ आपने पाइथन लाइब्रेरीज पढ़ ली। अब आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो मशीन लर्निंग की तरफ, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम, आप लोगों को पहले बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम होती है, जैसे एक होती है न्यूमेरिकल डेटा और एक होता है आपका क्लासिफिकेशन डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, जैसे अगर 1, 2, 3, 4 है ना, 8, 10, 15, 20 ऐसे न्यूमेरिकल की बात करें, ठीक है, चाहे फिर वो आपका डेसिमल में हो या आपका होल नंबर में हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब जो डेटा होता है वो यस नो फॉर्म में होता है। जैसे कोई भी हो गया, जैसे आपने 3 शहरों के नाम है वो रिपीट कर रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अब यही रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्लासिफाइड डेटा है या यस और नो, ठीक है, ये क्लासिफाइड डेटा है। तो इनके लिए अलग अलग एल्गोरिदम होती है, बहुत सारी एल्गोरिदम होती है। जैसे कि आपको बेसिक एल्गोरिदम के नाम बताता हूँ, लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया। तो आपको ये सारे एल्गोरिदम पढ़ने पड़ते हैं, ये कैसे लगते हैं, ये करना पड़ता है, इनके बेसिक्स मतलब ये कैसे काम करती हैं आपको ये पढ़ना पड़ता है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्योंकि कई बार डेटा छोटा होता है तो डिसीजन ट्री बहुत अच्छा काम करती है, कहीं पर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पर सपोर्ट वेक्टर मशीन काम करती है। जैसे लीनियर रिग्रेशन जो होती है वो एक आपकी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पे काम करती है, ठीक है। डिसीजन ट्री जो होता है वो ट्री फॉर्मेशन में आपका काम करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग की पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो आप उसके बाद तो मतलब काफ़ी अच्छे हो जाओगे अपने डेटा साइंस की नॉलेज में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डेटा साइंस का पहले प्रोजेक्ट करना है मशीन लर्निंग से रिलेटेड। प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है व्हाट इज डेटा साइंस प्रोजेक्ट, तो उसकी जो वीडियो लिंक है वो आई बटन में मैं आपको यहाँ पे गिव इन कर देता हूँ। इसके बाद जाते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है इसके साथ भी, तो यहाँ पर आप NLP पढ़ सकते हो। NLP क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे गूगल होम और एलेक्सा जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बेसिक फंक्शन में बताऊँ मैं आपको, तो आप क्या करते हो, आप उनको बोलते हो हेलो गूगल हाउ आर यू, तो गूगल बोलता है मैं ठीक हूँ, तो कैसे हुआ, तो आपने जैसे ही बोला हेलो गूगल हाउ आर यू, तो बहुत सारी यहाँ पर NLP की लाइब्रेरीज होती है, जैसे टोकनाइजेशन, लेमनाइजेशन, लाइब्रेरीज क्या करती हैं, आपके वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट में बदल देती हैं, उसके उसको कोड में कन्वर्ट करती है और गूगल को समझाती है। गूगल कोड में कुछ आंसर करता है, फिर उसको वो NLP की लाइब्रेरीज के थ्रू उसको वापस वर्ड में कन्वर्ट करता है, वो आपको बताता है। तो इतना तेज प्रोसेस होता है NLP का, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोबोट से बात कर पाते हैं। उसके बाद आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने कैंपसेस के अंदर तो देखा है, मतलब अगर कोचिंग्स पढ़ाती हैं बहुत सारी तो बहुत अच्छा है। देखो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना खराब नहीं है। तो डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग में इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क मतलब आप सिंपल जो आपका दिमाग है, दिमाग में मतलब जैसे कैसे नसें काम कर रही हैं, बहुत सारी सेल्स काम कर रही हैं, उसी तरीके से एक न्यूरल नेटवर्क होता है आपके पास, ठीक है, वो डीप लर्निंग के अंदर वही कुछ होता है, ठीक है। तो ये एक वास्ट फील्ड है। तो पहला आपका काम है इतने रोड मैप को कंप्लीट करना जो मैंने मशीन लर्निंग तक बताया। आपको बेसिक सारा समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके साथ साथ फ्री जो रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, आपको सारे रिसोर्सेज दूंगा। इसके साथ साथ जो पेड, जिनको पेड रिसोर्सेज है वो पेड लो। देखो मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, पर मैं आपको सिंपल बताऊं, जहां पर आपको जरूरत है वहां पर आपको पेड ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारा जो फ्यूचर है, अभी आप 25 साल के हो और आपको 60 साल तक जाना है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अगर कहीं थोड़े बहुत पैसे लगते हैं और आपके पास अभी हाथ में कुछ नहीं है तो आपके लिए पेड लेना खराब नहीं है, ठीक है। मैंने खुद एक पेड कोचिंग करी थी, ठीक है, अपने प्लेसमेंट के टाइम पर, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। नमस्कार।